छह वर्षीय मासूम राज की 2 साल बाद हुई घर वापसी। ललितपुर के मोहल्ला आजादपुरा से 2 साल पहले 6 वर्षीय राज अचानक लापता हो गया था। राज के लापता होने के बाद से ही परिजन और पुलिस उसे खोजने में लगी हुई थी, लेकिन राज का कोई पता नहीं लग सका था। 2 वर्ष बीतने के बाद राज के मिलने की उम्मीद भी कम होती जा रही थी, लेकिन आज सकुशल अपनी गोद में अपना खोया हुआ बच्चा लेकर राज की मां की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। आपको बता दें कि राज 2 वर्ष पूर्व ललितपुर से अचानक लापता हो गया था और अब वह 2 वर्ष से अधिक समय बीतने के बाद परिजन और पुलिस की टूटती उम्मीद के बीच दिल्ली पुलिस ने सोशल मीडिया पर एक लावारिस बच्चे की वीडियो वायरल की, जिसमें उसे पहचान कर उसके परिजनों तक पहुंचाने की अपील की गई थी, जिसे ललितपुर की एक समाज सेवी संस्था के सदस्यों ने देखा। समस्या द्वारा उस वीडियो को लापता राज के परिजनों को दिखाने पर राज के परिजनों ने बच्चे की पहचान अपने खोए हुए बेटे राज के रूप में की। इसके बाद संस्था के सदस्यों और ललितपुर पुलिस के प्रयास से लापता राज को ललितपुर लाया गया। 2 वर्ष से लापता अपने बेटे को पाकर मां की खुशी का ठिकाना नहीं रहा, वहीं राज के परिजनों और जनपद वासियों में भी खुशी की लहर है। राज के परिजनों ने सोशल मीडिया और समाज सेवी संस्थान के साथ साथ पुलिस का भी धन्यवाद किया। ललितपुर से मोहम्मद शमीम की ये रिपोर्ट। अक्टूबर को मेरे पास पहली बार एक वीडियो आया जो मैंने देखा और अपने दोस्तों को दिखाया, तब मुझे कन्फर्म हुआ कि ये बच्चा राज है। तो मैं अपने दोस्तों के साथ राज के घर गया और उनकी माँ को कन्फर्म कराया कि ये बच्चा आपका है या नहीं, आप बताएं। तो उन्होंने बताया कि मेरा बच्चा है। तो मैंने दिल्ली ASI अमर सिंह से बात की और उनको पूरा डाटा भेजा। उसके आगे जो हुआ तो फिर उन्होंने बात की और अपना डाटा मंगाया। डाटा के बाद मैंने यहाँ उसको फ़ोन लगाया, उसने फ़ोन करना बंद कर दिया। फ़ोन बात नहीं कर रहा था, इसलिए मैंने SP साहब को दिया संज्ञान में, कोतवाली में संज्ञान में दिया। फिर उसके बाद कार्रवाई शुरू हुई। विगत हम लोगों ने काफ़ी प्रयास किए हैं और बेग साहब जी ने बहुत ज़्यादा साथ दिया है और पुलिस टीम ने, प्रशासन ने बहुत साथ दिया है। उन्हीं की बदौलत है जो आज बच्चा ललितपुर में आया है। हम लोगों का सहयोग रहा। हम लोगों ने सबसे पहले जब वो वीडियो देखी, उसको मिलान किया, ऐसा लगा कि ये बच्चा होना हो राज है। इस मामले में पुलिस ने अपने प्रयास निरंतर किए हैं, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन ललितपुर की जो एक संस्था है विजन वेलफेयर, जिसकी ये लोग सदस्य हैं, इन लोगों ने जो प्रयास किया है ये वाकई काबिले तारीफ है। इनकी बदौलत बच्चा यहाँ आ पाया है, अन्यथा बच्चा तो चाइल्ड वेलफेयर में काफ़ी दिनों से रहा होगा वहाँ पर उन लोगों ने शायद अपने प्रयास दिल्ली में किए होंगे, पर ललितपुर की जो हमारी विजन वेलफेयर संस्था है, इन्होंने जो प्रयास किया है, इसके लिए हम इनके लिए बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं कि बच्चा अपनी माँ तक पहुँचाए। देखिए, जहाँ तक मैं समझता हूँ कि माँ बाप ने भले उम्मीद ना खोई हो, पर ललितपुर के लोगों की बहुत दुआएं थी उस बच्चे के वापस आने के लिए, लेकिन अब ना उम्मीद आ चुकी थी सबके दिलों में। ऐसी स्थिति में बच्चा जो आया, तो मैं समझता हूँ सबसे बड़ी जो परमात्मा की कृपा है, और इसके बाद ललितपुर पुलिस और विजन वेलफेयर के जो हमारे ये साथी हैं, सोशल मीडिया को कितना आप श्रेय देना चाहेंगे पूरे प्रकरण में? बेशक सोशल मीडिया ने इसमें वो काम किया है। अगर सोशल मीडिया पे ये पिक्चर या वीडियो नहीं आती तो निश्चित हम लोग उन तक नहीं पहुँच पाते, ये लोग नहीं पहुँच पाते उन तक। तो सोशल मीडिया ने बहुत बड़ा काम किया है। किसी भी चीज़ के पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों पहलू होते हैं, सोशल मीडिया का ये सबसे बड़ा पॉजिटिव पहलू है। इसके माध्यम से पहले भी बहुत सारे घायल लोगों उनके घर तक पहुंचाया जा चुका है ललितपुर के लोगों के द्वारा, संस्थाओं के द्वारा, और इन लोगों के द्वारा सोशल मीडिया के माध्यम से ही उस बच्चे तक पहुंच पाएंगे। मेरा नाम सौरभ जैन है, विजन वेलफेयर फाउंडेशन का एक पदाधिकारी हूँ, और जो हमारा जो विजन ग्रुप है उसमें समाज सेवा के जितने भी रिलेटिव काम है वो हम करते हैं, हम लोगों की टीम करती है। और जब ये हमारे पास वीडियो आई, रविंद्र भैया और हम दोनों लोग दोस्त हैं, और जब वीडियो हम लोगों ने देखा तो ऐसा लगा कि ये बच्चा होना हो राज है। और जब हम लोग उनके माता पिता के पास गए तो फिर उन्होंने भी पहली बार देख करके तो उन्हें भी आश्चर्यचकित हुआ कि ये राज नहीं हो सकता। लेकिन जब वो वीडियो बार बार उन्होंने देखा और हम लोगों ने दिखाया उनको जूम करके, तब जाके उनको लगा कि हाँ, ये हमारा बेटा राज है। तब जा करके हम लोगों ने प्रक्रिया चालू की और आज बच्चा यहाँ है। आज का जमाना फेसबुक और व्हाट्सएप, बिल्कुल है। बिल्कुल, किसको मानते हैं आप? श्री सबसे ज़्यादा किसको दिए हैं? किसको, फेसबुक को? सभी को है, सभी का बहुत बहुत आभार। एक छोटा बच्चा, मासूम बच्चा, अपने माँ बाप से बिछड़ गया था, लगभग 2 साल से ज़्यादा की अवधि हो गई। इसके विषय में पुलिस लगातार काम कर रही थी और पूरा प्रयास हम लोग कर रहे थे कि बच्चे को हम लोग रिकवर करें, माँ बाप तक पहुँचाएँ। इसमें आज हम लोग की मेहनत और बाकी हमारे साथ जो टीम थी उनकी मेहनत इसमें सफल हुई और बच्चा बरामद हुआ और सकुशल अपने माँ बाप के साथ अपने घर गया। ये बच्चा
इसके बारे में सूचना सोशल मीडिया से जानकारी में हुई, उसके बाद हमारी टीम एक्टिव हुई, जो यहाँ के सोशल वर्कर्स हैं उनको भी हम लोगों ने साथ में लिया और लगातार हमारी टीम दिल्ली में बनी रही। उनकी जो भी रिक्वायरमेंट थी, जहाँ बच्चा था, वो सारे पेपर्स तैयार करके दिए गए। इस तरह से ये बच्चा सकुशल अपने माँ बाप के पास आ गया और आज बहुत खुशी हो रही हमें कि बच्चा अपने परिवार में। थैंक यू सर। ये समान रूप से मिसिंग में है, इसमें किसी प्रकार का कोई आपराधिक षड्यंत्र जैसा की बात अब प्रकाश में नहीं आई।